सभी किसान भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल सलाम जय जवान जय किसान। भाइयों, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह और इस जगह के मालिक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राम सिंह राणा जी गोल्डन हट ढाबा है, जो एसी रेस्टोरेंट है, उसके मालिक हैं और पहले दिन से ये आंदोलन में तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। पहले दिन से लंगर चल रहा है यहाँ पे, पूरा ही उन्होंने ढाबा अपना आम आदमियों के लिए बंद कर दिया और पूरा किसानों को ही समर्पित कर दिया और ये कह रखा है कि जब तक आंदोलन चलेगा उसके 7 दिन बाद तक ये किसानों के लिए ही समर्पित रहेगा। इन्होंने अब तक लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए का ये सहयोग किसी न किसी रूप में आंदोलन के लिए कर चुके हैं और अब कुछ दिन पहले आगे बढ़ के इन्होंने पानी की सेवा भी शुरू की। इन्होंने देखा कि भाई डेली 15 से 20 लाख का पानी यूज हो रहा है सभी धर्मों पे, उसमें प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल हो रही हैं, उससे कचरा भी फैल रहा है, बाकी चीजें हैं, तो इन्होंने 11,000 बहुत अच्छी क्वालिटी के कैंपर भी मंगवाए। इन्होंने 7-8 जो आरओ प्लांट है यहाँ पे वो ठेके पे ले लिए, 10 बड़ी बड़ी रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ी जो पानी सप्लाई करती है, तो सभी धरणों पे ये किसान आंदोलन के लिए ताजा पानी उन्होंने भिजवाना शुरू कर दिया है। 1 तारीख से वो पूरे तरीके से चालू हो जाएगा 100%। उसी दिन इन्होंने हमसे एक बात और कही थी कि भाई कई लंगरों में क्या हो रहा है, कुछ में तो 5 से 10 कट्टे आटे के रखे रहते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनको वो गौशाला में भेजने पड़ते हैं, कुछ में अभी आटा नहीं है तो वो बाहर से मंगवाते हैं, खरीद के लाना पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा था, एक ये बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा था जो सबको अच्छा लगा, कि भाई किसान भाइयों से यहाँ पे गेहूं मंगवा लिए जाए। और इन्होंने अब क्या किया, पीछे देखिए, ये हमारे साथ जो कुलदीप जी, मैं निवेदन करूंगा और दिखाएं, ये इन्होंने यहाँ पे चाक्की लगवाना शुरू कर दिया है। 8 चाक्की यहाँ पे राम सिंह राणा जी लगवाएंगे और हम आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कई गांवों से सूचना भी हमारे पास, उन्होंने गेहूं इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, कई में इकट्ठा हो चुका है, 5-5 ट्रॉली भर चुकी है, तो आप अपना गेहूं ट्रॉली भर के हर किसान कम से कम एक मुट्ठी गेहूं जरूर दे, ये आपके लिए आंदोलन चल रहा है, और वो ट्रॉली भर के गेहूं की यहाँ पे आए, उसके लिए स्टोरेज सुविधा भी है और यहाँ से फिर चाक्की से वो पूरा आटा वो पीस के 25-25 किलो की पैकिंग में वो आटा सभी लंगरों में जो सभी धरनों पे चल रहे हैं पहुंचाने का काम राम सिंह राणा जी की टीम करेगी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जिन गांवों ने गेहूं इकट्ठा कर लिया है वो अपनी ट्रॉली लेके यहाँ पे आ जाएं, जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो एक एक मुट्ठी गेहूं कम से कम हर किसान परिवार से जरूर इकट्ठा करें और ट्रॉली भर के गेहूं यहाँ पे लाएं, उसके बाद ये चाक्की में पीस के आटा सभी धरनों पे सभी लंगरों में पहुंचाएंगे। नहीं भी आएगी तब